नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे ओप्पो की तरफ से आने वाले ओप्पो W11TWS की। दोस्तों, देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या कुछ देखने को मिलता है और रियल लाइफ में किस तरीके के परफॉर्म कर जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अनबॉक्सिंग वीडियो और मैं इसके फीचर्स के बारे में आपको आगे बताऊँगा। दोस्तों, कुछ इस तरीके का बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है। ओप्पो की ब्रांडिंग है, नीचे ओप्पो एनको W11 लिखा हुआ है। बैक साइड की बात करें तो दोस्तों, बैक साइड कुछ इस तरीके का लेआउट हमें जो है देखने को मिलता है। यहाँ पर जो की फीचर्स हैं इसके, वो यहाँ पर शो कर रखे हैं इन्होंने, जो है वो ब्लूटूथ का सपोर्ट है, 20 आवर्स का बैटरी बैकअप दे रखा है, 20 इनहेंस मिलेगा आपको, नॉइस डिडक्शन मिलेगा, IP55 का रेटिंग है, इंटेलिजेंट टच गेस्चर यहाँ पर कंट्रोल मिलते हैं आपको। और देखी जाए तो अब हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही हमें यहाँ पर TWS का बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है बर्ड्स का। तो देखिए, कुछ इस तरीके का बॉक्स हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, बॉक्स के ऊपर की तरफ ओप्पो का लोगो दिया हुआ है। चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। ओपन करते ही दोस्तों हमें यहाँ पर बर्ड्स प्लेस मिल जाते हैं बॉक्स में। क्वालिटी वाइज ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं और बॉक्स भी काफ़ी ड्यूरेबल लग रहा है इनका। उसके साथ साथ अगर इनके गिरने की बात करिए ओपन बॉक्स में, ये इनमें गिरने का खतरा नहीं है क्योंकि इनमें इनको मैग्नेटिकली अटैच किया हुआ है। और बॉक्स के अंदर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर दो मैनुअल्स हमें देखने को मिल जाते हैं, स्टार्टिंग गाइड जिनको बोलते हैं। उसके साथ साथ अगर बॉक्स में और कॉन्टेंट की बात करूँ तो बॉक्स में लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहाँ पर चार्जिंग केबल मिल जाता है। ये चार्जिंग केबल की बात करें, छोटा सा चार्जिंग केबल है और सी टाइप का केबल है, तो USB 2 C टाइप, आप नॉर्मल चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। बाकी का अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में हमें दो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलते हैं जो आपको अपने ईयर्स के अकॉर्डिंग आपको प्लेस करने रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने बड्स को बाहर निकाल लिया है। बड्स कुछ इस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। ये 45 डिग्री एंगल पर टिल्ट हुए रहते हैं और जिसकी वजह से कानों में ही काफ़ी अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं, गिरने विरने का कोई भी खतरा नहीं रहता है इनको। और टच कंट्रोल भी इनके काफ़ी अच्छे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इनको कानों में लगा के यूज़ करने में। डेली यूसेज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत अच्छे परफॉर्म करके जाते हैं। बैटरी बैकअप की बात करूँ दोस्तों तो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, 4, 4.5, 5 घंटे का ये दे देते हैं बैकअप। साउंड क्वालिटी की बात करूँ दोस्तों, साउंड क्वालिटी में मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मिड्स एंड हाईज काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं ये। और बाकी अगर मैं बताऊं आपको बेस लवर्स के लिए, तो बेस के लिए भी ये काफ़ी अच्छे हैं। और कुछ इस तरीके के से इनको यहाँ बॉक्स से मैंने निकाला अभी लेफ्ट वाला बर्ड, ये दो डॉट्स दे रखे हैं इसमें। और बॉक्स की अगर बात करें तो बॉक्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। और बॉक्स में अगर इनको प्लेस करने की बात आ जाती है तो प्लेस करने के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरीके से इनको प्लेस किया जाता है, लेफ़्ट वाला लेफ्ट और राइट वाला राइट में। तो हम बर्ड को उठाते हैं, बर्ड पे स्पेसिफिकेशन दे रखा है लेफ़्ट और राइट का, यहाँ पर दो डॉट्स भी दे रखे हैं। तो कुछ इस तरीके से इनको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं उन डॉट्स के अकॉर्डिंग, जिससे ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और चार्ज होने में भी ये ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लेते हैं, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। बॉक्स भी मैं अगर आपको बताऊं तो बॉक्स भी काफ़ी छोटा सा बॉक्स है, पॉकेट वगैरह में आराम से ये आ जाता है, कैरी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और नॉइस कैंसिलेशन नहीं है इस बर्ड्स में, तो थोड़ा सा आउटडोर में प्रॉब्लम होती है। और बात आ जाती है दोस्तों उनके प्रोज एंड कॉन्स की, तो मैं म्यूज़िक की कैटेगरी में इनको 9 out of 10 दूंगा, बैटरी बैकअप में 8 out of 10 और ओवरऑल मैं इनको 7 out of 10 दूंगा। और कॉन्स में अगर मुझे सबसे बड़ा जो इसमें इशू लगा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी कॉल क्वालिटी को लेके लगा है, वो भी आउटडोर कंडीशन से। तो दोस्तों, जो मेरा इनको लेके रिव्यू था मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।